मलपुरा क्षेत्र में करंट लगने से एक महिला की मौत हो गई। ट्रांसफार्मर खुले में रखा था, महिला की मौत के बाद उसके परिवार में कोहराम मच गया। घटना को लेकर बिजली विभाग की लापरवाही पर लोगों में आक्रोश है। थाना मलपुरा के सपेरा मनिया में बिजली के ट्रांसफार्मर से चिपक कर एक महिला की मौत हो गई। ट्रांसफार्मर खाद बीज कार्यालय पर रखा हुआ था। महिला घास काट कर ला रही थी। महिला की उम्र 47 साल बताई गई है। महिला की मौत के बाद परिवार में कोहराम मच गया है। वहीं बिजली विभाग के खिलाफ लोगों में खासा गुस्सा दिखाई दिया। पे हमारी चाची जी इधर से घास लेके आ रही थी, तो ट्रांसफार्मर नीचे ही रखा है। यहाँ पर लापरवाही है बिजली विभाग वालों की, और यहाँ से ठोकर खा के और वो ट्रांसफार्मर पे जाके चिपक गई है और वो मर गई है। शिकायत करते हैं साहब, ये विभाग वाले जो बिजली विभाग वाले वो सुनाई नहीं करते हैं। अकस्मात यहाँ पे जो ये तार हैं ये भी गिर जाते हैं आए दिन। तो ये घटना पहले भी यहाँ कहीं हो चुकी है साहब? पहले भी हो चुकी है, तार भी कम से कम 20 बार यहाँ पे गिरे हैं। जो यहाँ के कर्मचारी हैं बिजली विभाग से, उनसे पूछा जाए। अब क्या चाहते हैं राजू भैया? क्या चाहते ये चाहते हैं? हमारी डेड बॉडी यहाँ पे चाची जी की रखी हुई है, जब तक कि कोई यहाँ के बिजली विभाग वाले नहीं आके सुनते हैं, हमें इन गरीबों को नहीं संतुष्ट करते हैं, हम तक जब तक यहाँ पे लाश रखी रहेगी साहब। सवाल ये उठता है कि आखिर ट्रांसफार्मर की बैरिकेडिंग क्यों नहीं की गई? खुले में ट्रांसफार्मर क्यों रखा गया था? महिला की मौत का जिम्मेदार कौन है, जबकि नियमानुसार ट्रांसफार्मर के चारों ओर बैरिकेडिंग होनी चाहिए थी ताकि किसी भी हादसे से बचा जा सके, लेकिन ऐसा इस गांव में नहीं किया गया। सी न्यूज़ के लिए राकेश कन्नौजिया की रिपोर्ट।